तो आज हम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में आने वाली टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। इन फिल्मों का ऑडियंस भी बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नंबर वन पर है योद्धा। ये फिल्म एक वॉयलेंट एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसके लीड रोल में सिद्धांत चतुर्वेदी, मालविका मोहन, राघव जुवाल विलन के रोल में देखने को मिलेंगे। रवि उदेवर डायरेक्टेड ये पिक्चर 20 सितंबर के मौके पर आने वाली है। नंबर टू पर है देवरा पार्ट वन। देवरा पार्ट वन सितंबर महीने की सबसे बड़ी और सबसे मच अवेटेड फिल्म है। ट्रिपल आर जैसी ग्लोबल हिट फिल्म के बाद ये मैन ऑफ मासेस एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म है जिसे लेकर एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। ये फिल्म एक बड़े स्केल की पैन इंडियन मूवी है। इस एक्शन ड्रामा फिल्म को कोरोटाला शिवा डायरेक्ट किए हैं जो कि कई सुपर हिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं जो कि मासेस के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये इनकी पहली पैन इंडियन फिल्म है। फिल्म को भारी 300 करोड़ के बजट पर बनाया गया है। एनटीआर के पूरे 7 साल बाद कोई सोलो मूवी आ रही है। ये मूवी 27 सितंबर के मौके पर आने वाली है। इस डर को पार करके समय। नंबर थ्री पर है बारोज। ये फिल्म एक 3D फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल डायरेक्ट किए हैं। मोहनलाल सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बल्कि बारोज में लीड रोल भी निभा रहे हैं जो मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ा रही है। ये मूवी कई बार पोस्टपोन होने के बाद फिल्म फाइनली 3 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। ये मलयालम फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में देखने को मिल सकती है। नंबर फोर पर है वेटायन। ये फिल्म एक बड़ी और मच अवेटेड पैन इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म है जिस फिल्म को जय भीम के डायरेक्टर डायरेक्शन दिए हैं। फिल्म को लाइका प्रोडक्शन के बैनर तले 116 करोड़ के बजट पर तैयार किया गया है। फिल्म के लीड रोल में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन जी, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वॉरियर, रितिका सिंह, दसरा विजयन दिखाई देंगी। वेटायन मूवी में रजनीकांत एक कॉप का रोल निभाएंगे। कहानी रिपोर्टेडली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत इस फिल्म के लिए 33 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। उनका आखिरी फिल्म हम था जो 1991 में रिलीज हुआ था। ये रीयूनियन एक बड़ा सिनेमैटिक इवेंट के रूप में देखा जा रहा है और फैंस इस कोलेब्रेशन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। वेटायन फिल्म 10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ा भाषा में। नंबर फाइव पर जिगरा। जिगरा एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको टैलेंटेड वासन बाला डायरेक्ट किए हैं। ये आलिया भट्ट की एक और फीमेल ओरिएंटेड मूवी है। फिल्म का टीजर ट्रेलर आउट हो चुका है जिसको ऑडियंस से काफ़ी प्यार मिल रहा है। फिल्म की मेन लीड में आलिया भट्ट और वेदांग रायना नजर आएंगे। फिल्म की स्टोरी जेल ब्रेक पर बेस्ड होने वाली है। आलिया भट्ट की ये मच अवेटेड फिल्म 11 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। नंबर सिक्स पर है मार्टिन। KGF एंड कंतारा के मैसिव सक्सेस के बाद कन्नड़ा फिल्मों की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। मार्टिन KFI की तरफ से आने वाली एक बिग बजट पैन इंडिया फिल्म है जो कि आपको यकीन नहीं होगा। फिल्म टोटल 13 लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसको डायरेक्टर AP अर्जुन डायरेक्ट किए हैं जिसमें ध्रुवा सारजा मेन लीड में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर अर्जुन सक्सेना के आसपास घूमेगी जो इंडियन आर्मी का एक होनहार ऑफिसर है जिनका रोल एक्शन प्रिंस ध्रुवा सारजा प्ले कर रहे हैं जो कि फिल्म के अंदर फुल ऑन एक्शन मोड में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म कई सारे भाषाओं के अंदर 11 अक्टूबर के मौके पर आने वाली है।
नंबर 7 पर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ये फिल्म अक्टूबर महीने में आने वाली एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म होगी, जिसके लीड रोल में राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी नजर आने वाली हैं। विक्की एंड विद्या के रोल में कहानी 1997 की है, जब नए नए शादीशुदा कपल विक्की और विद्या अपनी पहली रात को यादगार बनाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, पर उनका प्लान लिटरली बिगड़ जाता है क्योंकि वो सीढ़ी चोरी हो जाता है। इसी के इर्द गिर्द फिल्म की पूरी कहानी घूमने वाली है। वैसे इस कॉमेडी फिल्म को कॉमेडी मास्टर राज सांदेलिया डायरेक्ट किए हैं, जो कि ड्रीम गर्ल एंड ड्रीम गर्ल 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए इस फिल्म से बेहतरीन कॉमेडी की उम्मीद है। स्त्री 2 जैसी महा ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद राजकुमार राव सीधे इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेंगे। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के अंदर भी ये विक्की का रोल प्ले कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को राजकुमार राव तृप्ति डिमरी स्टारर विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज होगी। इसी दिन आलिया भट्ट स्टारर जिगरा भी रिलीज होने वाली है। इन फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होगा, तो आप लोग किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो लिखकर आप सभी को बताना है। शादी करना चाहता हूँ आपसे। शक्ल देखी है अपनी, कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल। नंबर 8 पर है लकी भास्कर। लकी भास्कर एक अपकमिंग ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जो कि पहले सितंबर के मौके पर आने वाली थी, पर इस फिल्म को अक्टूबर के मंथ में पोस्टपोन कर दिया गया। ये फिल्म दुलकर सलमान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है, जिस फिल्म को वाती के डायरेक्टर वेंकी एटलियो ने डायरेक्शन दिया है। फिल्म की फीमेल लीड ब्यूटीफुल मीनाक्षी चौधरी होंगी। इस फिल्म की कहानी एक बैंक कर्मचारी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये फिल्म अब 31 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। वैसे ये फिल्म हिंदी के अंदर भी आने वाली है। पाई पाई जोड़कर गुजारा करते हैं, कोई औकात दिखाने आ जाए। नंबर 9 पर है बगीरा। बगीरा कनाडा सिनेमा की तरफ से आने वाली हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसके लीड रोल्स में श्री मुरली रुक्मणी वसंत और प्रकाश राज देखने को मिलेंगे। फिल्म को डॉक्टर सूर्य डायरेक्ट किए हैं और इस फिल्म की कहानी ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर प्रशांत नील ने लिखी है, जो कि पहले से ही अपनी सुपरहिट फिल्म में KGF और सलार के लिए पूरे इंडिया में मशहूर है। वैसे ये ऑलरेडी श्री मुरली के साथ उग्रम जैसे क्लासिक फिल्म कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टर प्रशांत नील की पहली फिल्म थी, जिसमें श्री मुरली एक इंटेंस और धमाकेदार पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये फिल्म 31 अक्टूबर को दुनिया भर में तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल और मलयालम में रिलीज होगी। नंबर 10 पर है आमरण। आमरण एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को राजकुमार पेरियासा ने डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के मेन लीड में शिवा कार्तिकेयन और साई पल्लवी दिखाई देने वाली हैं। फिल्म में शिवा कार्तिकेयन मेजर मुकुंद वर्धाराजन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म इनके ही जीवन पर बेस्ड होगी। ये फिल्म एक्टर शिवा कार्तिकेयन की करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने जा रही है। फिल्म का बजट 150 करोड़ से 200 करोड़ तक का होगा। ये फिल्म 31 अक्टूबर को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हो सकती है। तो ये थी सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में आने वाली टॉप 10 फिल्म है। वैसे कंगुआ फिल्म भी अक्टूबर में आने वाली थी, लेकिन ये मूवी अब पोस्टपोन हो चुकी है 14 नवंबर को। तो आप लोगों किस फिल्म का वेट कर रहे हो आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जल्दी बोल दे, दो हो जाएंगे।